हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब बॉय में। और आज के वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको एक इंटरेस्टिंग थंबनेल एक ऐप के ज़रिए सिर्फ आप 2 मिनट में बना सकते हो, वो भी एकदम इजी ट्रिक सा और एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे यूट्यूब बॉय। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब पे अपना कस्टम थंबनेल कैसा डालें और कब आप एलिजिबल होते हो उसके लिए। तो आपके मिनिमम 20 या 25 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल होते हो थंबनेल डालने के लिए। तो बिना फालतू की बातें किए आपको मैं चलिए सिखाता हूँ ऑन स्क्रीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आप जैसे इट्स टू कॉमन है कि यू हैव टू टाइप थंबनेल मेकर, ओके, थंबनेल मेकर फॉर यूट्यूब, इट विल कम ऑलरेडी, ओके। एंड एनी ऑफ दिस यू विल सी यू हैव टैप फर्स्ट वन, आपको पहला वाला टच करना है ऊपर में। फिर इसमें आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल तुरंत कर लेंगे आप, ठीक है। फिर इंस्टॉल करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको अलाउ कर देना, परमिशंस को डिवाइस परमिशन मांगता है। फिर आपको थंबनेल मेकर में जाना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि आप इसमें चैनल आर्ट मेकर, मतलब जो बैनर रहता है ना अपने चैनल का, पेज जाओगे आप, सब्सक्रिप्शन आप खुद का जाओगे, जो भी जिसका चैनल होगा ऑफिशियली उसके पेज में ऊपर में एकदम ब्लैंक रहता है, आप उसका भी, अब मैं वीडियो डालूंगा कि आप उसका बैनर कैसे बना सकते हो, डाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो है मैं उसका बताता हूँ। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं थंबनेल मेकर, चैनल आर्ट मेकर, कवर मेकर, माय प्रोजेक्ट्स, और इसमें ऐड आ जाएगा तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और हाँ, थंबनेल मेकर बनाते हैं आप लोग। थंबनेल मेकर में आप जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन आपको क्या है, नॉन प्रीमियम ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर वर्सेस मतलब किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हो, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सिंपली, वहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन में थी, और यहाँ पर आपको कोई भी वर्सेस फोर चीज़ों के बीच में कर रहे हो तो ये सब है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। नीचे में आप देख सकते हो, इधर है, इधर है, इधर भी है ये वाला, कुछ डिज़ाइंस हैं आपके, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, तो चलो एक ठोक आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है, ठीक है। अब इसमें आप कैमरा ऑप्शन, कैमरा आपको दिखा रहा है, या फिर आप फ़ोटो खींच सकते हो, या फिर आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटो होंगी, जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो आज मैं अपलोड किया हूँ इसकी, ठीक है, गिव अवे वाली, ठीक है। हमेशा मैंने ये यूज़ करता हूँ मैं थंबनेल बनाने के लिए। तो ये आपका आ गया, ठीक है। इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो ये हो गया। और आप अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कुछ अच्छा, तो मैंने क्या किया आप ध्यान से देखिएगा। पहले आप मैंने कैमरा आइकन क्लैप किया, ज़्यादा लंबी उसके लिए माफ़ कीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद में मान लीजिए मेरी फ़ोटोज़ है ये, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे फिंगर्स की मदद से, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्लाइडर करके एक इक्वलाइज़र आपको देखे होंगे, उस साइड का स्लाइडर टाइप का स्विच दिया है, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शंस आ जाएंगे। इससे आप पूछोगे क्या होगा, पहले तो आपको ये स्ट्रोक दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना। आप देख सकते हो साइड साइड में एक ब्लैक कलर की लाइन्स आ गई हैं, आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो, मैं तो इतना रखूँगा, ठीक है। और फिर इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ऊपर दी है, ठीक है। और अगर आपको ये कलर्स आपको पसंद नहीं है तो अपने मन से आप चूज़ कर सकते हो। एकदम फर्स्ट में आपको दिया कलर चूज़ करने के लिए, तो अभी इसमें कलर जैसे मेरे को ये कलर पसंद है, मैं ये टिक कर लिया, ठीक है। और ये ब्लर क्या है, ब्लर आपका आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, मेरे फ़ोटोज़ के पास और ये जो लाइन है उसके बीच में देखिएगा, मेरा हेड है, हेड देख रहे होंगे वहाँ पर सब देखिएगा, और वो जो लाइन है उसके में देखना ब्लर होते जाएगा, देखना आप। जैसे मैं कुछ और कलर लेता हूँ, ब्लैक देख के मैं लेता हूँ, आप देखिए आपको दिख जाए, ऐसा कलर लेता हूँ मैं, हाँ ये नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो ब्लरी हो गया है, उतना भी ब्लरी नहीं, पर ये आप वाइट पेज है से मेरे में देख रहा है, इसमें आप देख सकते हो ब्लरी। अब मैं कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो, यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। तो इसको करके आप टिक कर लो, और फिर यहाँ नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैक्स है, यहाँ पर दबाइएगा, और यहाँ पर आप टाइप कर देता हूँ मेरा नाम, ठीक है। तो ये क्लिक करके मैंने कर दिया। और मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ भी करना है तो आप बिना
उसके बिना परचेस के कीजिए तो कि वो आपको फ़ायदेमंद है। नहीं आप इतने से चीज़ के लिए आप उसको परचेस करेंगे तो वो, और ये वाली स्टाइल आप रखिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, वैसे तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है फ़ोटो का, तो आप इसके जगह अपनी रिव्यू यूनिट जो भी लाएंगे उसका फ़ोटोज़ डाल सकते हो। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पास कितने सारे इमोजीज़ हैं, पर वो सब पेड हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉन पेड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अक्सर आपने देखा होगा वर्सेस का और एक फायर का, ये आपने आप बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखता है, उसको आप क्लिक करना, ठीक है। इससे कुछ होता है उतना है नहीं, है इम्पोर्टेंस है पर मेरे को उतना पता नहीं है। तो आप ज़्यादा अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो और भी यूट्यूबर्स की चैनल है, आप देख सकते हो जाके, पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मैं दे रहा हूँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फायर है, इसको आप ऐसे लगा सकते हो अपने रिव्यू ने, तो यहाँ टिक करना। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्सचर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सचर का मेन पर्पस है कि आप ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, एक मिनट मैं इसको टेक्स्ट को लाता हूँ। अंडू करता हूँ इसको मैं, बैक सेव प्रोजेक्ट हो गया मेरा। तो यहाँ पर रेडीमेड प्रोजेक्ट भी हैं आप देख सकते हो। तो एक बार मैं फिर से करता हूँ आपको, जाके क्लियर हो जाए पूरा। तो ये फ़ोटो थी, इसको मैंने रोटेट किया, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ आपको, एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर से मैंने इसको स्ट्रोक किया, रेड सॉरी ऑरेंज कर दिया, इसको ब्लरी कर दिया मैंने। तो ये टिक किया मैंने, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा, यहाँ पर मैंने हरीम शर्मा डाल दिया, और फिर इसको मैंने प्रो में कर लिया, प्रो नहीं ये वाला कर लिया, इसको ऐसा स्लाइड कर लिए हॉरिजॉन्टली। फिर यहाँ पर आप देख, यहाँ पर से एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट में जाओगे तो आप टेक्स्ट स्टाइल बदल सकते हो। और ये है आपका कलर्स, इसमें आपको मैं बता रहा था, मैं मेन तो कंफ्यूज हो गया था पर यही था मेन। तो इसमें क्या है देखो, आप कलर मेरा नाम देखो, मेरा नेम देखो आप, उसमें टेक्सचर्स आ रहे हैं, ग्रेडियंट हो तो ग्रेडियंट डाल सकते हो, कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 3D फ्लिप मिल जाता है जिससे आप इसको ऐसे फ्लिप कर सकते हो। और ये है, थोड़ा लंबी बन रही है पर देख लीजिएगा जरूर आपके काम की चीज़ें। और इसकी हाइट विथ कॉर्नर आप सब कुछ इंक्रीज कर सकते हो। और आपको एक बैनर बना के दिखाता हूँ मैं जल्दी जल्दी, आप तो मेन जो जैसा बनाते हैं बेसिक्स है वो सब आपको सीख चुके हैं, और जितना मैं डिटेल में बताता हूँ उतना कोई आपको बताएगा नहीं, शायद शायद कोई हो बता दे जो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर डाल सकते हो जिससे कि जो इसकी ओबेसिटी है बढ़ जाती है, और इसमें कंट्रास्ट भी मिलता है मैनुअल, नीचे में ही है सब कुछ ऑप्शन शेप्स हैं। और फिर अगर आपका पूरा जो भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहो थंबनेल के साथ कर सकते हो, एक अट्रैक्टिव बनाओ ताकि आपके ज़्यादा क्लिक्स आएँ, ज़्यादा व्यूज़ आएँ, आपको पता ही होगा आप एक यूट्यूबर हैं तो। और ये सब करने के बाद टिक कर दीजिए, यहाँ पर से ऐड आ गया, ऐड को स्किप कर देते। तो दोस्तों ये देखिए सेव, यहाँ पर सेव ऑप्शन आता है, सेव में क्लिक कर दीजिए, ये सेव है, यहाँ पर आप सेव में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर से आपको बताएगा सेव डैट स्टोरेज एमुलेटेड 0 पिक्चर थंबनेल मेकर, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हो गया आपका। अब सीधा सीधा आप क्या जाए, गैलरी में जाएँ। अब गैलरी में जाने के बाद आप एल्बम में जाए, अगर आपका एम आई नोट 4 है तो रिसेंट में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर थंबनेल आपका तैयार है। सो है ना इजी टिप्स, अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कुछ कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ड्यूरिंग दिस कोरोना।